हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के रेवोल्यूशन में। आज हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस की हमने एक सीरीज शुरू की है, उसका भाग हमारा ये पांचवा है, जिसमें हम और महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे अपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा था, आप उनको जाकर देख सकते हैं, तभी आपको यहाँ पर ये समझ में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आर्टिकल है जिसको हमने 1690 रुपये में बेचा और हमें 30% का प्रॉफिट हुआ, तो हमें क्या पूछ रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप केवल प्रॉफिट परसेंट को लो। आपको कितना बोल रहा है वो प्रॉफिट परसेंट 30% का, तो प्रॉफिट परसेंट को आप सबसे पहले लेकर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 30% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप हर परसेंटेज हटाकर 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये कटेगा तो कितना बन जाएगा फ्रैक्शन, 3/10। ठीक है, और हमने आपको बोला है कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि जो बेस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगी, जो ऊपर है ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो 10 रुपये का मैंने खरीदा था, 3 रुपये का मुझे लाभ हुआ, तो मैंने उसको बेचा कितने में होगा, टोटल हमारा सेलिंग प्राइस 13 रुपये आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस क्या दे रखे, देखो सोल्ड फॉर इतने में, तो ये 13 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है, 1690 रुपये के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं एक की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर ये मेरा 130 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के मेरे पास कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, एक पॉइंट की वैल्यू 130 है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 10 पॉइंट की वैल्यू फिर 1300 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बेस देखना है, उसके बाद आपको वैल्यू केवल इक्विवेलेंट रखनी है कि हमारे को उसने 13 रुपये की सेलिंग प्राइस है, लेकिन क्वेश्चन में इतनी है, तो हमने इस 13 को उस 1690 के इक्वल में रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन हैंडल्ड ए लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीन प्रकार के पूछे जाते हैं, तीनों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लैंग्वेज समझना, तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस एक शब्द का फर्क होगा। 72 आर्टिकल को बेचा एक आदमी को 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर उसको लॉस होता है, आपको उसका लॉस परसेंट बताना है। अच्छा देखो, मैंने सेलिंग कितने आर्टिकल की करी, 72 आर्टिकल्स की मैंने यहाँ पर सेलिंग करी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं मानूँ कि एक आर्टिकल 1 रुपये का था, तो मैंने 72 रुपये में आर्टिकल को बेच दिए। वो बोल रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस के 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का लॉस होता है, यानी कि 9 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। अगर ये लॉस मुझे नहीं होता तो मेरी पूरी सेलिंग कितनी की होती, पूरी सेलिंग मेरी 81 की होती कि नहीं होती। अगर ये 9 रुपये का लॉस मुझे नहीं होता तो मेरी पूरी सेलिंग जो थी वो 72 + 9 81 की होती। ठीक है, यानी कि मेरे कॉस्ट प्राइस ये है, मुझे पूछ रहा है लॉस आपको कितना हुआ है, तो यहाँ पर हम लॉस परसेंट निकाल देंगे। कैसे, लॉस कितना हुआ है, 9 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि उसने बताया है 9 आर्टिकल का लॉस हुआ है। ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये कहाँ से हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमने 81 मानी है। ठीक है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये कितना आंसर बन जाएगा हमारा, 100/9%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। देखो 72 बोला उसने कि हमने बेचा, 9 आर्टिकल के बराबर मुझे नुकसान हुआ। ठीक है, यानी कि 9 रुपये का मुझे नुकसान हुआ। अगर ये 9 रुपये का नुकसान नहीं होता, यानी कि ओरिजिनल मेरी कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी, तभी तो मुझे 9 रुपये का नुकसान हुआ है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो 81 की रही होगी ना, तो हमने वहाँ से कॉस्ट प्राइस को निकाल के लॉस परसेंट निकाल दिया। ठीक है, अब इसी का कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन हैंडल्ड ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यानी कि मैंने सेलिंग कितनी करी है, 72 रुपये की सेलिंग करी है। ठीक है, एक आर्टिकल 1 रुपये का मान लिया। अब बोल रहा है कि मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का फ़ायदा हुआ है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे फ़ायदा हुआ है, तो अगर मुझे प्रॉफिट 9 आर्टिकल के बराबर हुआ है, ठीक है, यानी कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, इसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे तो जो आएगा हमारा 63, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, क्योंकि 72 में बेचने पर 9 रुपये का तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है हमारी, क्या होती है कॉस्ट प्राइस, कि सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट या लॉस को माइनस, प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी, या सेलिंग प्राइस में आप लॉस को ऐड कर दो तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी। पिछले क्वेश्चन पे हमको लॉस हो रहा था तो हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था तो हम घटा देंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई। लॉस पूछ रहा है, लॉस के परसेंट पूछ रहा है, ओ प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, प्रॉफिट 9 रुपये का हुआ, कहाँ से हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 63 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 कर देंगे, इसको काटेंगे 7 से आ जाएगा, तो 100/7%।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी की एक और लैंग्वेज है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 972 आर्टिकल ए मैन हैंडल्ड ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल फाइन प्रॉफिट परसेंट। देखो अभी तक जो नुकसान हो रहा था, देखो यहाँ पर था सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अभी तक तो हमने देखा कि सेलिंग प्राइस अगर लॉस होता है तो हम ऐड कर दे रहे थे और प्रॉफिट होता है तो हम माइनस कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, इसने कॉस्ट प्राइस में दे दी है। माना हमने कि एक आर्टिकल 1 रुपये का है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 72 आर्टिकल हमारे 72 रुपये के हुए, तो सेलिंग हमारी कितने की हुई है, 72 रुपये की हुई है। कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 9 आर्टिकल के बराबर हमको प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हमें 9 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस पर दिया गया है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टोटल सेलिंग तो इतनी ही हुई है और इतनी ही रहेगी। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हम पे कॉस्ट प्राइस पर हमको 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर ना कोई ऐड की ज़रूरत है ना कोई सब्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। अगर कॉस्ट प्राइस में दिया है तो आपने केवल इसको उसी पर निकाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको आप इससे काटेंगे तो ये आपका लगभग 12.5% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसने सेलिंग प्राइस दी थी, ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस पे दिया था, और जो भी लॉस पर प्रॉफिट आता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही आता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो इतनी ही रहेगी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी बोला होगा, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप एक बार इसको दोबारा से देखिएगा, शांति से देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ पर इट क्लियर होगा। ये 3 क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, इनकी लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ऑप्शन भी दोनों जगह, तीनों जगह एक ही ऑप्शन रखे थे, ठीक है, क्वेश्चन भी एक ही था, केवल एक शब्द का फर्क था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।